हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे पीछे बज रहा है जी बहुत बढ़िया बैंड, और अभी हमें जलंधर में इसी खुशी में बैंड हमने बजवा लिया है कि हम जलंधर में आ गए हैं, और जलंधर की बहुत ही अंदरून गलियों में हम आ गए हैं बड़ा ही फ्रेश, अनोखा और मज़ेदार खाना एक्सप्लोर करने। और क्या वाइब है इस मार्केट की, क्या मतलब क्या चीज़ है, बस मज़ेदार है। सुबह सुबह 9:30 बजे हैं, दुकानों में भी धूप अगरबत्ती जल रही है, क्या खुशबू है बाजार में, मज़ा। अरे भैया जूस की रेडी लेके जा रहे हैं, ताज़ा ताज़ा जूस। तो वीडियो करते हैं शुरू, ताज़ी ताज़ी वीडियो। एक तलमा साड़ी अपनी मोनोपोली, ये नाल अज तक किसी ने मुकाबला नहीं किया। ये सारी साड़ी तकनीक पाकिस्तान की है। 1930 तो असी ये साढ़े फादर साहब उन्होंने फोटो वो कम कर रहे साडा जो फादर सी, फादर सी बहुत वड्डा कुक सी, वो हमेशा ही जिनी जैनियां नूं समझे ना कुकिंग दे विच किसी आदमी नूं नहीं, जैनी जिन्हें भी सन साढ़े फादर कोलों ही कम कराते सन, क्योंकि लोग आम तौर पर समझते कि अगर हलवा चिट्टा तो कच्चा होएगा, बट तुहाडा पूरा पक्या होया हलवा फिर भी चिट्टा, जो कोई खाता फिर कहता आह हा नज़ारे आ गए, क्या बात, जिंदगी च इदां दा हलवा नहीं करी खाता, बहुत ही वधिया। सन 1930 तो असीं कम करन डे आ, 1930 पाकिस्तान शुरू होया, पाकिस्तान तो 1900 थाने वाला बाजार, अच्छा, देसा सिंह कटरा जैनियां दा मंदिर दे कोल सी साडी शॉप, स्टॉल लगता सी बेरी वाले चौंक विच, गुजरांवाला। गुजरांवाले किसे मुसलमान दी तकनीक है, साडे फादर ने, साडा फादर बहुत वड्डा कुक सी, उह कहिंदा सी मैनूं तूं अपने अपनी तकनीक मुझे दे ते मैं तैनूं अपनी तकनीक दा, उस हिसाब ने असीं चलन दे। सही है, ये पाकिस्तान गुजरांवाले दी तकनीक है, ये ते हिंदुस्तान च कोई नहीं इदां दा बनाउंदा, मतलब ये पुराना पंजाब जो हमारा जिसको भी लहंदा पंजाब बोलते हैं वहाँ से चीज़ आई हुई है, और एक्चुअल में हमारे जो आज की डेट में जिसको पंजाब बोलते चढ़ता पंजाब, इसमें कहीं और नहीं मिलता ये चीज़। ये आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी ना, दाल चने के, पहली बात बिगड़ प्याज लहसुन की सब्जी है, दोनों बिना प्याज और लहसुन, प्याज लहसुन भी है, पित्तल की पतीलियाँ हैं, नीचे कोयले के सेक होते हैं, यार चीज चेक करो, कोयले का सेक है नीचे, ऊपर कोयले का सेक होता है, पित्तल के पतीले हैं, पीतल के बर्तन में गर्म हो रहे हैं। ये कौन सा अचार है? कद्दू, कद्दू का अचार, गाजर के अचार, गाजर का अचार आ गया, कचालू के अचार है जी, कचालू, हाँ जी आ गया, बस मैं वो इंटरव्यू वाले आ गए, हाँ राई आलू, अपना राई तो हल्दी आलू दही ये सब चटनी, कितना को बड़ा बना दूँ, ये मिट्टी लौंजी बाकड़ी देंगे, मिट्टी लौंजी 4.5 किलो होना है, यह आंवला के अचार, आंवला का अचार, हाँ जी, ये हरिया मिर्च। तो गाइस ये पूड़ी हमारे हाथ में है, देसी घी की पूड़ी है, लेट्स मेक अ बाइट। अब मैं को समझा रहा बातों बातों में भाई मोर्चा पहले मार गया है। ये है यहाँ के मशहूर छोले, ओ सॉरी, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, मतलब अब एक बार लू मुंह में फ्लेवर जैसे फैल जाएंगे ब्लास्ट, पर टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है, उपरों देसी की पूड़ीदार स्वाद सब नु पता है, इदा हों कि शानदार होंगे क्या नहीं भाजी, बिल्कुल यार, पूरी देखो अब देसी घी की अंदर पिट्ठी भरी हुई है, लुक फुल बटा फुल मार्क्स है, टेस्ट कैसा भी देखते हैं, मेन जो मेरे को अंदर से क्यूरोसिटी हो रही है ना चीज़ की वो रही है ये 7 तरह का अचार, अब इसका स्वाद तो खान टेस्ट करने के लिए 7 बाइटें लेनी पड़ेगी, अब ये है सारा माल मसाला एक ही ढूंढने के अंदर पूरी दुकान का स्वाद, तो ये हमने पूरी दुकान लोड कर ली एक ही बाइट में, और ये देखते हैं इसका स्वाद कैसे,
स्वाद किस चीज़ का क्या है वो पता नहीं, पर ऐसे खाओगे ना मिक्सर से, अगर ऐसे खाओगे ना मिक्सचर से करके, मज़ा बहुत आने वाला है। तो मज़ा फटाफट लेना है तो आ जाओ मिठा बाजार जलंधर पूड़ी खाने। हलवा साडा सफेद जरूर है लेकिन कच्चा नहीं है, तुसी कितने भी जाके देखो हलवा लाल होएगा। साड़ी अपनी तकनीक है, अपने मसाले ने जेडे असीं ये सफेद रखने हैं लेकिन कच्चा नहीं होएगा। ये सूजी का हलवा, ये सूजी का है, ये हलवा देख रहे हो आप, आई एम श्योर पक्का मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरे तो बहुत आया यार देख कर। और ये नीचे कतलम्मा जो एकदम एकदम खस्ता और कुरकुरा है। अब पहली बात तो जो मेन बात है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इसको इस चीज़ को फूड रिव्यू कर सकें क्योंकि ये उस टाइम की रेसिपी या चीज़ है, जब तक हमारा मेरा तो क्या मेरे दादाजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम की रेसिपी है ये, तो इसको हम रिव्यू नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं। और ये हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो पंजाब में रहते हैं, एटलीस्ट वो तो इसको खा सकें क्योंकि जो पुराना पंजाब है हमारा पार्टीशन से पहले वाला वहाँ की चीज़ है। देसी घी का हलवा, ओहो जो एक सबसे बढ़िया बात है ना, कतलम्मा बहुत माइनर से सॉल्टी है जिसका अलग स्वाद है, और ये जो हलवा है ना इसका टेक्सचर बड़ा जेली जैसा है, बड़ा ही स्टिकी टेक्सचर है और मीठा बहुत अच्छा डाला हुआ है, इलायची वगैरह डली है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है इसके, मतलब स्टार रेटिंग तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये कल्चर है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है हम इसको रिव्यू करें, दिस इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल। और आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए आके कि पुरानी चीज़ें पुरानी डिशेस अभी भी ज़िंदा है। मिठा बाजार में मीठा मीठा हलवा, जग्गू चौक जलंधर, गुजरांवाला स्वीट्स। ये भाजी जलंधर से हमारे फूडी हैं पूरे ते जी इतने ना इन्होंने ये तो अलग अलग दी हुई है सब्जी, पर इतने सारा मिक्स आ जिसे छे चार ते नाल विच कर आलू की लौंजी ते इनू टेस्ट करन लगे जी इस वेले। भाई टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अल्टीमेट रहने वाला टेस्ट पूरा नज़ारा पूरा हाँ जी हाँ जी।